नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसर पीसीएस क्लास पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, उसी क्रम में आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उसके पहले चैनल पर जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। हम आज का पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की, जिसके तहत श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जून को। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जून 2020 के दौरान कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब सरकार। ठीक, तो बी ऑप्शन हो गया सही आपका। आइए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जून 2020 के दौरान अगले 6 माह में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश ने। ठीक, आइए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2020 के दौरान जारी एक आंकड़ों के मुताबिक देश के निर्यात में पिछले माह यानी मई 2020 में कितनी गिरावट दर्ज की गई? तो इसका सही जवाब है 36.47%। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जून 2020 के दौरान जारी स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2020 की शुरुआत में भारत के पास कितने परमाणु हथियार थे? तो इसका सही जवाब है 150। ठीक, आइए सातवें प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है आपका, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2020 के दौरान जारी एक आंकड़ों के मुताबिक देश के आयात में पिछले माह यानी मई 2020 में कुल कितनी गिरावट दर्ज की गई? तो इसका सही जवाब है 51%। ठीक, आइए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है हमारा, हाल ही में जून 2020 के दौरान किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है IIT हैदराबाद। ठीक, आइए नौवें प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने हाल ही में वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया? तो इसका सही जवाब है मारुति सुजुकी ने। ठीक, आइए आज के दसवें और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। 11 जून 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसका सही जवाब है 108वें स्थान पर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर PCS क्लास पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।